आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, आप देख रहे होंगे। तो सुबह के अभी 7:45 हो रहे हैं और सुबह की साफ सफाई और सारे काम, कई काम हो चुके हैं पूरे घर में। जो इधर उधर रात में हम सब्जियां लेकर आए थे ना, तो रात में नहीं पूरी रख पाए थे, तो सुबह मैंने सारी सब्जियां रखी, साफ सफाई करके झाड़ू लगा लिया और उसके बाद बालों में लगानी थी मुझे मेहंदी। तो नहीं है, जो आंवला सीखा का मीठा उबाल के रखा था पानी उसका, उसी में थोड़ी सी मेहंदी डाल के गाढ़ा करके लगा लिया। तो ये 1 घंटे के लिए रखूंगी। अगर सुबह के टाइम में पूछा जाए तो हम औरतों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इतनी भागदौड़ होती, इतने काम होते हैं। लेकिन मैं थोड़ी जल्दी उठती हूँ, इसलिए मैंने कहा बालों में लगा लूँ, बाद में नहाने के बाद मन नहीं करता है। लेकिन अभी ठंडी ज़्यादा आ जाएगी, जब ठंडियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तब तो सुबह सुबह इतना ठंडा हम नहीं लगा सकते हैं, और मैंने इसीलिए लगा लिया। और अब टाइम चेंज हो चुका है बच्चों का, तो अब मैं इसी बीच में नहा भी लेती हूँ। जैसे नाश्ता बनाना रहता है, खाना बनाना रहता है, पूरा ही खाना मैं बना लेती हूँ 8-9 बजे के अंदर में, और उसी बीच में मैं नहा के और इनके साथ पूजा भी करके आ जाती हूँ। लेकिन इतनी भाग दौड़ होती है, लेकिन हम लोगों को ना टाइम के साथ मैनेज करना आता है। हम लेडीजे देखते कौन सा काम पहले कर लें, कौन सा काम, ये नहीं जरूरी कि रूटीन बन गया तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। रूटीन तो रहता ही रहता है कि ये काम डेली हमारे ये होंगे, लेकिन उसी के साथ हम, मतलब मेरा क्या, सभी का ऐसा होता है कि मैनेज करना आता है। और एक माँ, एक पत्नी, एक बहू, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं लाइफ में, और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अभी तो बड़े हो गए हैं तो मैं अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ, लेकिन जिस टाइम में ये छोटे थे ना, बहुत ही कठिन लाइफ थी। और हर हाल में हमें अपने पति की भी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, फैमिली में है सास ससुर, घर वालों का भी सुनना पड़ता है और करना पड़ता है। और उसी के साथ जब बच्चे हो जाए ना, तो बच्चों को भी हमें टाइम देना सिखाना, अभी भी वो तो है ही है, अभी भी बच्चों की, जैसे अब इनकी सुबह सुबह डिमांड थी कि ये जो दाल मैं बना रही हूँ ना, ऊपर जो मैंने साग लगा रखा है वही साग लेकर आई हूँ और इसको काट के दाल में डाल के, उर्द की दाल में, तो इन्होंने बोला था, तो फिर बस मैंने इसी दाल में साथ ही दाल चढ़ा दी एक तरफ आलू गोभी की सब्जी डाल दी है, और मैं प्याज लहसुन मिर्च को अदरक को दरदरा मिक्सी जार में ही कूट के डाल देती हूँ, और उसके बाद सब्जी फ्राई करके उसी में मसाले वगैरह डाल के, क्योंकि सुबह के टाइम में तरी वाली सब्जी, मतलब जूस वाली सब्जी नहीं बन सकती, तो वो ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाल के वो बना देती हूँ आलू गोभी के। लेकिन बच्चों को पसंद आती, बच्चों को, फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आती है जो मैं सब्जी वगैरह बना के देती हूँ। तो बस, और लोहे की कढ़ाई, आप लोग देखते होंगे ना, लोहे की कढ़ाई में सब्जी का अलग ही स्वाद आता है, ये बात भी होती। और मैंने जल्दी जल्दी से इनके टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और नाश्ते के लिए रोटियां बनाती हूँ, और स्कूल के लिए पराठे बनाती हूँ, और पराठे तिकोने वाले, फोल्ड करने वाले, तो इन लोगों को भेज दिया बच्चों को। और मेहंदी, वो जो बाल में मैंने लगा रखा है ना, उसका टाइमिंग, मतलब मैंने कहा जब इतना मेहनत कर लेते हैं, हम लगा लिए हैं तो रोज़ रोज़ तो लगाते नहीं, तो मैंने कहा 1 घंटे की बजाय मैं 2 घंटे रख लूँ तभी नहाऊँगी, थोड़ा लेट हो जाएगा। इनको बोला मैंने, कहा आप पूजा करके आ जाओ, मैं आपके बाद पूजा कर लूँगी आके, आप लोग को भेजने के बाद। तो ये आ गए जल्दी जल्दी, फिर अपना इनको, बच्चों को, देव दीपू को दीक्षा का भी टाइम होने वाला है जाने का, तो ये भी आ गई थी। मैंने कहा चलो, गेहूँ मैंने कल धुले थे, और अभी मतलब 1 दिन और धूप लगाऊंगी, 1 दिन में तो सूखता नहीं है, अब धूप भी कम होने लगी है, तो कल धुले, आज भी सुखवा के फिर पिसाना है मुझे गेहूँ, और साथ ही मुझे कपड़े भी धुलने। तो बाल मैंने धुले थे, आज मैंने ऐसे ही बाल में लपेटे लपेटे ही मेरी पूजा हो गई, क्योंकि बाल गीले होते हैं, पानी टपकता रहता है, तो उसके टाइम, मैंने कहा टाइम लगेगा, तो ऐसे ही लपेट लेती हूँ कॉटन का कपड़ा, और उसके बाद फिर गेहूं फैला दिए हैं, कपड़े इकट्ठा करके ला लिए हैं, और कपड़े का अब रूटीन चेंज हो गया है। जैसे ठंडियां हैं तो धूप भी छत पे रहती है, और इतनी सुबह की भागदौड़ होती है, तो कपड़े अब बाद में धुलूंगी, और वॉशिंग भी लगा दी है, साथ में चल रही है, और कपड़ों का, बालों का ऐसे ही जूड़ा बना लिया, नीचे चल के सुलझेंगे। तो यही होता है हम लोगों के साथ, सभी लेडीजों के साथ होता है, और करना भी पड़ता है, नहीं करेंगे तो काम बिखरे रहेंगे, एक अलग स्ट्रेस और टेंशन होती है। तो आप काम निपटा
डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, घर का घर साफ होता है और हम खुश रहते हैं और बच्चे पति सबको टाइम भी दे पाते हैं। तो इसलिए सुबह थोड़ी जल्दी उठने के बाद जल्दी जल्दी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे काम अपने निपटा लूँ और अपने लिए भी टाइम निकालूं। अब मैं ज़रूरी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइफ में ये ज़िंदगी एक बार ही हमें मिली है, दोबारा का कुछ पता नहीं है और कब कहाँ किसकी लाइफ कब तक है ये भी कुछ पता नहीं है। तो भाई अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो ऊपर से आ गई हूँ काम निपटा के सारे, और धूप से आने के बाद अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा बाल ही सुलझा लेती हूँ जब तक थोड़ा सा मन हो जाएगा। पानी पिया पहले, क्योंकि धूप तो धूप होती है, धूप में रहने के बाद ना आओ तो नीचे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो बर्तन अभी पड़े हुए हैं तो बर्तन कर लूंगी, पहले थोड़ी कंघी कर लेती हूँ, बैठ के आराम से कंघी करूंगी, बाल उलझे हुए हैं, धुले हुए हैं तो कंघी करूंगी, पानी पिया, उसके बाद फिर दूसरे काम में लगूंगी मैं। तो हो गए हैं सारे काम, किचन बर्तन करके चकाचक कर लिया है मैंने अपने किचन को, घर को, सारे काम निपटाते निपटाते मुझे ना दोपहर हो गई है आज दोपहर। लेकिन सुकून बड़ा मिलता है जब सारे अच्छे से मैं काम निपटा लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी शाम हो गई है और आ गई हूँ गेहूँ बनाने के लिए, कपड़े उतार के रख दिए हैं और शाम में आज चाय में चाय और रस्क मैंने सबको दिया था, खुद भी लिया था। और ये गेहूँ बना के आटा पिसवाना है। और आप मतलब मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमारे सब के पास 24 घंटे होते हैं और करना चाहे तो कोई ऐसा काम है ही नहीं है जो हम कर नहीं सकते, घर की साफ़ सफाई, खाना बनाने से लेके हर काम। लेकिन हिम्मत, जो हमारा मन है ना, हम उसमें अपने मन में अगर ठाने कि हाँ मैं कर सकते हैं, तो बच्चे छोटे होते हैं तब भी हम इतने सारे काम करते हैं, बल्कि जब बच्चे छोटे थे ना मैं और ज़्यादा काम करती थी, और बच्चों को तैयार करना, नहलाना, टिफ़न, और उसके बाद मम्मी पापा भी यहाँ, मम्मी बाबूजी भी आए थे, उनकी भी मतलब सेवा करना, उनके पैर दबाने से लेकर सारे काम, मतलब कंघी, खाना पीना, जो उनकी फरमाइश रहती थी पूरा करना, सब कुछ मैंने किया है। और हर जगह मुझे मतलब ऐसा नहीं हुआ, तारीफ भी मिली है, सबने बहुत तारीफ भी करी, मेरे सास ससुर से लेके पतदेव भी कहते हैं कि मैं मैनेज तरीके से अपना सारा काम कर लेती हूँ, निभा लेती हूँ अपनी जो जिम्मेदारी है, और करना पड़ता है, और एक खुशी अलग वो होती है। और आज आंवला नवमी थी तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा इस साल नहीं होगी इसलिए मैंने सिर्फ दीपक जला दिया था और फूल चढ़ा दिया था, प्रार्थना कर ली थी। अब कपड़ों का ढेर रखा हुआ है, इसको रखूंगी मैं, प्रेस करूंगी। और काम करते करते देव को डिक्टेशन बोल रही थी मैं, तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आजकल बच्चे ना हिंदी लिखने में बड़े कमजोर हो जाते हैं, इंग्लिश तो बढ़िया आएगी, इंग्लिश लिख भी लेंगे, और हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कभी कभी मैं डिक्टेशन बोल देती हूँ देव को, मेरा मन होता है तो उसमें मैंने कहा शंकर भगवान का पूरा परिवार लिख दो, उसके बाद राम भगवान का पूरा परिवार लिख दो। देव बोल रहा मम्मी ये क्या है, पहले मैंने बोला दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और द्वारिका, मोहन, ये सब बहुत सारे नाम मैंने बोले, कुबेर, सब कुछ बोलने के बाद मैंने कहा शंकर भगवान का पूरा परिवार, फिर राम भगवान, इस तरह से उनको भगवान जी की पूरी फैमिली का नाम तो पता हो जाएगा। पूछा जाता है ना राम के पिता का क्या नाम था, दशरथ, कितने भाई थे, 4 भाई थे, कौन कौन था, तो ऐसे मैंने बोला ना, तो ये हंस रहा था मम्मी क्या है ये क्या है, लेकिन मुझे मजा आ रही थी, मुझे बड़ी हंसी आई। तो सारे कपड़े रखने में, प्रेस करने में करीब मुझे आज 1.5 घंटे लग गए। और उसके बाद अब सब्जी लेकर बैठी हूँ और ये अपना सामने लेटे फ़ोन चला रहे हैं, तो ऐसे बातें करते करते सब्जी कट जाएगी और खाने की तैयारी शुरू हो गई है, तोरी की सब्जी बनेगी आज। और खाना पीना सारे काम करके ऊपर आ गई हूँ, और इस समय ना शादी का सीज़न खूब चलने लगा है, आगे अक्टूबर, इसी नवंबर में शादियाँ खूब होती हैं। आजकल तो गर्मियों से ज़्यादा, पहले गर्मियों में शादी खूब हुआ करती थी और आजकल ठंडियों में शादी खूब होती हैं। तो सामने देखिए पूरा सजा हुआ है, थोड़ी दूर मेरे घर से थोड़ा दिखता है, और इतना शोर, इतना बड़ा बड़ा डीजे लगा के ढिचिक ढिचिक हो रहा है कि सोना मुश्किल हो जाएगा।
तो सारे काम खत्म करके प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। सुबह की शुरुआत भी उन्हीं के साथ होती है, प्रार्थना के साथ, और रात का एंड भी सारे कामों के साथ प्रार्थना के साथ ही एंड भी होता है। अरे आ गई दीक्षा तुम वीडियो में, कट कर दो। नहीं यार, भाई बहन में मजाक मस्ती चल रही थी तो कुछ इन लोग के ना लैपटॉप में छोटे छोटे के वीडियो, इतने बड़े बड़े जैसे मतलब छोटे छोटे थे तब के वीडियो लैपटॉप में है, तो वो अभी कल परसों की बात है कि खुले हुए थे, तो उसको देख के बहुत हंसी मजाक हुआ, एक दूसरे की खिंचाई खूब चिढ़ाना हो रहा है कि तो वो ऐसे बोलता था, वो ऐसे बोलता, सब लोग ऐसे तोतली भाषा में बोल रहे थे ना कि बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी वीडियो जो बच्चे छोटे हो ना उनके बना के रखिएगा, जब आपस में बातें करते हैं या मस्ती करते हैं, तो आजकल तो वैसे भी सब बना के रखते हैं, मॉडल जमाना आ गया है, मॉडर्न जमाना। उस समय हमारे तो जब एकदम छोटे थे तब तो कोई फ़ोन वगैरह नहीं उतना था, लैपटॉप फ़ोन, जब ये थोड़े से समझदार हो गए थे तब उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो लैपटॉप लिया, तब से इनके कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी क्लिप्स पड़े हुए हैं जिसको देख के ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो एकदम से मेरी हंसी नहीं बंद होती इनके बचपन की जो तोतली भाषा में जब मैं देखती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी नाइट रूटीन हो रहा है सबका, मेरा हो चुका है, दीक्षा का हो रहा है, दीपू देव का, सब लोग थोड़ा रात में मुंह धुल के ही सोना चाहिए, तो मैं कई बार बताई हूँ ये सारी चीज़ें, वैसे भी मैं आप लोग से शेयर करती रहती हूँ, मेरी फैमिली स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, सुंदर रहे। आप लोग वैसे भी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो और अच्छे बनिए, इसके लिए मैं छोटी छोटी टिप्स शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, कंजूसी मत करिएगा, प्लीज़ लाइक करके जाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, तो उसको भी ज़रूर किया करिए, छोटा सा ही सही टाइम निकाल के अपना कीमती समय दिया करिए मुझे, और उसके लिए मैं थैंक यू। कमेंट में तो अक्सर रिप्लाई कर ही दिया करती हूँ, लेकिन वैसे भी मैं दिल से थैंक यू आप सभी का करती हूँ। इसी के साथ बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।